नमस्कार दोस्तों, कई जगह देखा होगा कि सड़क के ऊपर ये पाइप लगाई हुई है और कैमरे लग रहे हैं। एक उस साइड कैमरा लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक उधर, एक उस साइड, और साथ में ये सोलर सिस्टम भी लगा रखा है और इसकी जो वायरिंग है वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों लगा रखी है। दोनों साइडों में दो पाइप लगा रखी हैं, कैमरे लगे हुए हैं और क्यों लग रहे हैं, इस चीज़ का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो दो पाइप लगी हुई हैं ये कोई नॉर्मल पाइप नहीं है, ये ट्यूब है, ऐसी ट्यूब है जिसके ऊपर से कितना ही भारी व्हीकल गुजरे ये फटेगी नहीं। इसका नाम है न्यूमैटिक रोड ट्यूब। न्यूमैटिक रोड ट्यूब है, इसमें हवा भरी हुई है। और ये क्यों लगाई गई है, किस रोड पे लगाई जाती है, इसके बारे में बताऊं तो ये ऐसे रोडों के ऊपर लगाई जाती है कि जिनके बारे में या तो उनको चौड़ा करने के लिए या फिर उन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए सरकार के पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो सरकार ये चेक करती है कि इस रोड पर कितनी ट्रैफिक है और रोड चौड़ा करने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये जो ट्यूब लगी हुई हैं दोनों, इनसे ये पता चलता है कि इस रोड पर कितनी ट्रैफिक है, और ट्रैफिक भी ये तक पता चलता है कि ट्रैफिक किस प्रकार की है। छोटे व्हीकल हैं, बड़े व्हीकल हैं, हर तरह के व्हीकल हैं, उसकी जानकारी एकत्रित की जाती है। और इसके अंदर जो डाटा होता है वो उधर बॉक्स लगे हुए हैं। देखिए, सोलर सिस्टम है, इसमें लाइट का सिस्टम किया हुआ है और ये कैमरे जो है सोलर पर चल रहे हैं, चार्ज हो जाती है बैटरियों के द्वारा चल रहे हैं। और इनका जो डाटा है वो आगे सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इस रोड के बारे में ये सोचा जाए कि इसको चौड़ा करना है या जितना ये बना हुआ है ठीक है। क्योंकि रोड की जो चौड़ाई होती है वो उसके ऊपर ट्रैफिक के आधार पर रखी जाती है, कितनी ट्रैफिक है, किस प्रकार की ट्रैफिक चलती है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ये ट्यूब लगाई जाती है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके बताएं, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।